ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करना है कि इसका ऑल फील्ड में जाके यहाँ इसमें पेस्ट कर देना और इसको सर्च कर लेना। ये एक ही है, एक ही रेफरेंस है ना, वही है ना, ग्रेस वाला आ गया। ठीक है, अब आपने इसको, ये है ग्रेस वाला, इसको हम प्रीव्यू करें तो ये हमारे पास वही है, एट ग्रेस वाला आ गया। ठीक है, अब ये हमारे अभी ऑनलाइन पड़ा है, अभी हमने इसको कट करेंगे, कॉपी करेंगे या कट कर लेंगे और इसको लोकल लाइब्रेरी नोट में लेके जाना, ये तो पता ना कैसे यूज करते हैं, इसको पेस्ट कर देंगे। अब यहां से इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, अब ये यहां से कॉपी करके अब आपके उसके अंदर हमने ये ऐड कर देना है यहां जाके। ठीक हो गया, ये हमने यहां से इस पेपर से लिया था। ठीक है, लेकिन इसको अब हमने रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज रॉस हमने पहले लिख दिया ऊपर, इसका एब्रिविएशन ऊपर लिख दिया ना हमने, रॉस प्ले एन इम्पोर्टेंट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इन वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, रॉस इज एन इम्पोर्टेंट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल्स, इसको अपने लव वर्ड्स में हमने मॉलिक्यूल इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड प्ले इम्पोर्टेंट रोल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इन मल्टीपल सिग्नलिंग पाथवे प्लेयर इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिज्म मटेरियल। अच्छा, इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल कर देते हैं। अच्छा, एंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मल्टीपल सिग्नलिंग पाथवे मल्टीपल सिग्नलिंग पाथवेज इन 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 वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इन वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये हो गया, बाकी कट करने, हाँ बाकी इसको हम सारा कट करेंगे। ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स, ठीक है, फंजाई एंड मैपल्स की भी आई हम लिख दो इधर नेमाटोड्स। ठीक है, आल्सो डो टू कंट्रोल वेरियस सेलुलर, वो हमने ऊपर लिख दिया। ठीक है, मल्टीपल सिग्नलिंग पाथवे इन प्लांट्स कर देते हैं और अच्छा ठीक है, वेरी मल्टीपल सिग्नलिंग पाथवे इन वाइड वैरायटी ऑन ग्रुप एंड आल्सो आर आल्सो डो टू कंट्रोल वेरियस सेलुलर मैकेनिज्म इन प्लांट्स एंड आल्सो डो टू कंट्रोल इंक्लूडिंग प्लांट्स नहीं आएगा इधर, इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, ठीक है, फंजाई एंड नेमेटोड्स एंड आर आल्सो नोन इज अ की आल्सो अ की प्लेयर। ठीक है, इन वेरियस डेवलपमेंटल प्रोसेस इन प्लांट्स process in plants like cellular main including root development। ठीक हो गया, ठीक हो गया, और इसको हमने ये अब आपने इसको ऐसे अपनी वर्डिंग में इसको चेंज करना है। इंग्लिश बुरी नहीं होनी चाहिए, इंग्लिश की जो है ना वो लॉजिक वो बुरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। और सर ये रेफरेंस वो वाला जो भी हमने ऐड किया, हाँ वो, इसके अलावा भी कई और ज्यादा रेफरेंसेस से हम ये लेगी जहां से डाटा वहां से कॉपी करके हमने इधर पेस्ट किया, फिर उसका रेफरेंस या फिर चेंजेस कर सकते। ठीक है, अब आपने ऐसे ही इस सारे को
आपने ही चेंज करते जाना। अब इसमें आरबीएच का ऐड हो गया, अब मैंने इसमें ऐड करना है पोटैटो का और जो और बाकी जो प्लांट जो इसके अंदर हाँ सब कुछ थोड़ा थोड़ा इसपे। अब आपने इसको मॉडिफाई करना, अब मैंने पहला चीज बता दी है और आपने कैसे रेफरेंस ऐड करने ये समझ आ गई ना आपको। आपने पहले तो पेपर देखना है जिसके अंदर कुछ से हमने वो चीजें लेनी है, फिर उसका टाइटल या तो टाइटल या उसका थोड़ा सा पार्ट कॉपी करके आपने उसको यहाँ पर जाना है, यहाँ पब्लिकमेंट में जाना है और यहाँ जाके वो टाइटल आपने पेस्ट कर देना है। तो फिर सर्च करेंगे तो वो जो जो भी आपका आएगा रेफरेंस, एक भी आ सकता है, एक से ज्यादा भी आ सकते हैं, जो आपके पसंद का हो आपने यहाँ से कट करके उसको इधर पेस्ट कर देना और उसको कॉपी करके फिर आपने इधर कर देना। ये कहानी समझ आ गई अब इस ये ऐसे आपने तीसरे लिखना है अब सारा। ठीक हो गया, ये समझ आ गई इस चीज की। अच्छा उसके बाद ये तो अब आप इसको ना मटीरियल मेथड और ये चीजें तो अब आप लिख लेगी चाची नहीं, ये इंट्रोडक्शन आज आपने लिख के मुझे भेजना है ये सारा। ठीक है, उसके बाद आ गया डेटाबेस सर्च। अब आपने लिखना है कि टू आइडेंटिफाई आर बी ओ एच, जो मैंने लिख के भेजा वही वाला ना करूं? वही कर लेते हैं, लेकिन इसके अंदर मैंने रेफरेंस ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं, देखो ना जो हाईलाइट होती है ना। अब आपने वहां से कॉपी करके, लेकिन रेफरेंस यही, ये देखो ना ये वाला नहीं होगा, रेफरेंस ये रहने दो। हाँ ये मेरी बात की समझ आ गई, ये देखिए इसमें ये जो हाईलाइट हो रहे हैं ये एंड्रॉइड के थ्रू ऑलरेडी मैंने ऐड कर दिया, आपको ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, मेरी बात की समझ आ गई आपको, तो इस तरह आपने ये काम करना है। ठीक है, अब ये जो न्यू इटाला है ये ऑलरेडी यहाँ से मैंने ऐड किया हुआ है और ये आपका उसमें टाइम जा रहा है, ये देखो ना इसके लिए ये देखो जो भी वेबसाइट का भी हम लिंक डाल सकते हैं जिससे हमने वो सारा एनालिसिस किया। अगर फर्स्ट का कोई ऐसा रेफरेंस नहीं मिला आपको तो आप उसका रेफरेंस वेबसाइट नहीं, वेबसाइट का फिर ऐसे ही करना ना, उसका ना थोड़ा बहुत आपने ऐड करके ना कोई रेफरेंस, हाँ वेबसाइट ऐड कर दे। अगर कोई रेफरेंस आपको इंटरनेट से नहीं मिला या इसके अंदर से नहीं मिला, आपको वो पेपर है वो आपको अच्छा लग रहा है लेकिन वो रेफरेंस आपको नहीं मिल रहा, फर्ज किया मतलब सर जैसे कोई एनालिसिस किया हमने तो उसके ऊपर वो उसका आ जाता ना जिस तरह ये हाँ तो ये हम ऐड कर सकते हैं। हाँ ये भी ऐड कर सकते हैं, हाँ ये भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फर्ज किया ये वाला रेफरेंस हमें नहीं मिला कहीं से, फर्ज किया मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो अब आपने ये क्या करना है कि इसको आपने यहाँ जाके रेफरेंसेस में जाके न्यू रेफरेंस और इधर पेस्ट कर देना। अच्छा, अब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज यहाँ लिखा हुआ है, मैकेनिज्म ऑक्सीडेटिव सिग्नल ट्रांसडक्शन, ये एक रिव्यू आर्टिकल है, ये टाइटल है, टाइटल वाले खाने में लिख देना हमने। ठीक है, प्लांट बायोलॉजी ये जर्नल है जिसके अंदर ये पेपर पब्लिश हुआ है। अच्छा, 2004 में ये पब्लिश हुआ है, ये ईयर हमने इधर लिख देना, ये 55 इधर इशू नहीं है, इसमें पेजेस है 373 से लेकर 399 तक। ठीक है, और ये बाकी सारी चीजें आपने एनुअल रिव्यू ऑफ प्लांट बायोलॉजी ये जनरल का नाम होगा। ठीक है, और बाकी चीजें आपने ये पॉइंट्स सारे ये रिमूव कर देने हैं और इस तरह हमारे पास इसको आप क्रॉस करेंगे और इसको यस करेंगे तो हमारे पास अब ये रेफरेंस इसके अंदर ऐड हो गया। अब यहाँ से आपने क्योंकि ये भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज के बारे में है तो इट मस्ट बी देयर इन दिस पेपर शुरू में हम जहाँ पर आपने रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का जिक्र किया है फर्स्ट किया तो आप यहाँ पर इसको यहाँ पर इसकी ऐड कर दें या अच्छा इसको अगर हम कहें यहाँ हमने कहाँ ऐड किया था यहाँ ऐड किया था इसको। ठीक है, और इधर ही हम इसको ऐड कर दें। ठीक है, अब अगर दो कट्ठे ऐड किए ना तो उसके दरमियान में आपने ये करना है इसको यहाँ करके ये छेद वाला ऐड क्यों नहीं हुआ, छेद वाला ऐड नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। अच्छा जी, इस इन रेफरेंसेस को हम ये या चेंग वाला चेंग
ये कौन सा छिलके वाला, ये होगा मुझे लगता है, ये नहीं, ये तो आ रहा है, ये होगा सर, ये एग्जैक्टली ये यहाँ से इसको कॉपी किया और ये इट शुड बी एंड देयर। इसको हम अगर अपडेट करें, इसको हम अपडेट करें जाके, तो ये हो गया, हाँ हो गया, शुक्र है, ठीक है। अच्छा अगर आप दो कट्टे हैं ना, इसको दरमियान में आपने इसको ऐसे लिंक करना है, ये लास्ट वाली ब्रैकेट रिमूव करके और इसकी भी लास्ट वाली ब्रैकेट रिमूव करके और इसके दरमियान में ये सेमीकोलन, ठीक है। अब ये देखिए, अब मैं इसको अगर हम अनफॉर्मेट करेंगे ना इस साइटेशन को, अगर आप चाहते हैं कि इसको दोबारा से करेंगे, ये हो गया, दोबारा हो गया, ठीक है, अनफॉर्मेट हो गए। अब फिर हम इसको फॉर्मेट करेंगे, जब हम इसको फॉर्मेट करेंगे ना, तो अब ये क्या होगा, ये अगर इस तरह की चीजें थोड़ी सी आपने चेक कर लेनी है कि जब फाइनल हो जाए थीसिस भी इस, भी ये दोनों आपस में कट्ठे हो जाए, दरमियान में इसके ये ऐसा हो गया, ठीक हो गया, ये कहानी समझ आ रही है आपको। अच्छा इटवी जो भी हाईलाइट हो ना, इटवी वो आपने एंड, अब ये वाला रेफरेंस है वो एंड नोट के थ्रू ऐड नहीं हुआ, ये हाईलाइट नहीं हो रहा, ये बात की समझ आ गई है। इसमें से ज़हरा कई ऐसे रेफरेंस है जो सर, एक वो जो मैंने आपको भेजा हुआ था खुद ही, ये वाला इसमें जो नीचे मटेरियल है ना, यही है, ये है ना, इसमें सर हम कैसे ऐड करेंगे रेफरेंस, ये जैसे हमने ये एक एनालिसिस कर लिया, ये वाला न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नलिंग, इसका ये टेबल ऐड हो गया, अब इसमें इसका लिंक कैसे होगा। अच्छा ये है ना, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल्स को आपने ऐसे नहीं लिखना, ठीक है, आपने जैसे लिखना है, इसका भी का पेपर सर्च करेंगे, हां ये ऐसे लिखा हुआ है ना मेरे ऑलरेडी, ये देखें, ये इसके अंदर मैंने ये लिखा हुआ जीन स्ट्रक्चर डिस्प्ले मल्टीपल सिस रेगुलेटरी एनालिसिस है, सब सेलुलर लोकलाइजेशन किधर है, फिजियोकेमिकल, आज ये देखो ये मैंने जस्ट इस तरह लिख दिया है, ठीक है, पार्ट प्रेडिक्टर यूजिंग द टूल, ठीक है, ये उसका, ये उसका रेफरेंस दे लेगी, समझ रेफरेंस कैसे सर ऐड किया आपने। अच्छा अब ये जो है ना, अब ये वाला रेफरेंस जो है ना, ये कहाँ से लिया है, ये हमें पेपर से मिल जाता है कहीं ना कहीं से, पर इसके हमारा मतलब हमने वो पेपर सर्च करना है जिसमें न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल, एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, आपने न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल, ठीक है, उसका लिंक भी कर देना, उसका रेफरेंस सिग्नल, ठीक है। अच्छा और ये कहाँ, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया आपने, ये देखिए आपका है NLSD, ठीक है, पर इसके आपने ये सॉफ्टवेयर यूज किया, ठीक है, और इसको आप इंटरनेट से सर्च आउट कर ले। अच्छा ये पेपर है सीक्वेंस NLS, ये वो पेपर है prediction based on the, फिर इसको भी यहीं से कॉपी करेंगे और इसको हम देखेंगे कि ये prediction based on, थोड़ा सा टाइटल ही सारा ना भी करें, थोड़ा सा पार्ट ही कर ले और इसको आप करेंगे, फिर ऑनलाइन में जाएंगे, यहाँ सर्च करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए डिलीट, ये पेस्ट किया और इसको सर्च करेंगे, नो रेफरेंस मैच बार फाउंड, बस करेक्ट ही हुआ, पहले करेक्ट करना इंटरनेट के साथ, ठीक है, अब सर्च करेंगे, ये 25 ऐसे रेफरेंसेस हैं जिसके अंदर ये निकला, उनमें से जो आपका है वो आपने तलाश करके, ठीक है, उसको कट करके दूसरी तरफ पेस्ट कर देना, फर्ज किया ये मुझे लगता है कि कौन सा वाला ये है ऊपर वाला, इसको कट करें, ठीक है, और इसको इधर ले जाए और इधर पेस्ट कर दे और यहाँ से इसको कॉपी करें और अपने पेपर में ऐड कर दे। अब समझ आ गई आपको,
तो ऐसे ही अब आपने ये काम फर्ज किया, आईएएस में तो नहीं ऐड किया हुआ, आपके पेपर में है ये वाला, तो यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, और उसके बाद इसको अपडेट कर देना। जब अपडेट करेंगे तो ये सारा ये ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, और एट द एंड ऑफ द पेपर जो है ना इसका रेफरेंस भी ऐड हो जाएगा। अभी क्योंकि ये आपके पेपर है इसलिए एड इसके अंदर ये पेपर ऐड हो गया, ठीक हो गया। तो इसी तरह ये न्यूक्लियर लोकलाइजेशन ये होगी, ठीक है। अब आप इसने इसका रेफरेंस स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो ये एडवांस एग्रोनॉमी के मुताबिक हो जाएगा, ठीक है, या इसको एपीएस स्टाइल में करना है तो ये एपीएस स्टाइल हो जाएगा, ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन ये किस तरह का आपने पेपर सबमिट करवाना है। अब यहाँ तक समझ आ गई सारी, इसमें कुछ मसला कोई नहीं सर। आप पहले ना अपना इंट्रोडक्शन और अपना नॉलेज अपडेट करें, ठीक है, मेरी बात की समझ आ गई। ये इंट्रोडक्शन आज कंप्लीट कर दे सारा, ठीक है सर, और जितने मैक्सिमम इसको ना रिसर्च पेपर आपको पढ़ के और इसके अंदर कहानियां फिर ना लिखने की कोशिश करें, कर लूंगी सर, ठीक हो गया। अच्छा, और फिर आपने अब आपने रेफरेंस प्रोटीन सीक्वेंस ली, ठीक है, फर्ज किया ये वाली हमने आ वाला ही उठा लिया यहाँ से, इसको अब मैंने आपने लिख जो फाइनल आपकी वर्जन है ना वो यही है, जो ऐसी में ऐड करना आपने, अब आपने इसे आगे पीछे नहीं होना। और अच्छा, और फिर आपने फर्ज किया ये मैं पहले इधर ऐड कर दू, ठीक है, टू आइडेंटिफाई अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ, आपने रेफरेंस सीक्वेंस नंबर अभी ऑफ रैबिडोप्सिस थलियाना इज डाउनलोडेड फ्रॉम द फाइटोसोम डेटाबेस, सर एक्सेशन नंबर ना भी लिखें दो, लिखना पड़ेगा, ठीक है, फ्रॉम द एनसीबीआई डेटाबेस आपने ये, ठीक है, एनसीबीआई डेटाबेस ही ली थी आपने वो सीक्वेंस, ठीक है, उसका एक्सेशन नंबर आपने इधर ऐड कर देना, ठीक है, एक्सेशन नंबर, ठीक हो गया। वन आइडेंटिफाइड द पोटैटो जीनोम डेटाबेस, पोटैटो आरबीओ जीन। अच्छा, इसमें अब हम थोड़ा सा ये कर लेंगे इस तरह, इस ये जो पेपर है ना आपको इसके पेपर को भी थोड़ा सा फॉलो कर लें, abstract, introduction, results, identification, ठीक है, इधर से identify 7 RBA gene of which were predicted to encode that they are located in the plasma suggesting that, ये तो discussion हुई ना, results किधर है, experimental section, grapes were identified in the grape genome using the hidden of EF binding domain and this one, okay, we don't need to subsequently proceed, ये सही है, आसान सा, ठीक है, इसमें हमें एक सेशन नंबर देने की भी, हमने सिर्फ वो आपने एक एक को आपने सिर्फ अपने डोमेन्स लिखने, डोमेन्स आपने वो क्लास करते जाने हैं और उसी के मुताबिक आपने ऐसे की थी ना जी सर, तो हर डोमेन को जब ब्लास्ट किया तो कितने जीन्स आए थे, ठीक है, अब ये है ना फर्स्ट के, ये मैं आपका यहाँ से ये इधर मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है, ग्रेप्स नहीं लिखेंगे इधर, लिख देंगे हम पोटैटो आरबीएच जीन, इसको हम कहेंगे एस टी आर बी ओ एच, ठीक बच्चे आ गया लेटर, क्या हाँ है चाहिए, and admitted to see the topic of your presentation, the suggestion is recommended for the approval of, अच्छा, you are there advised to submit 2 hard copies जी, बस वो लड़के ने लगता है ये ऑनलाइन ही होना है, नीचे मैंने आईडी मांगी इसका, through email in the office of the undersigned for placing folder advance and approval, you are also provide mail skype id and whatsapp number, great, ऑनलाइन ही होना है, मतलब रिकॉर्डिंग ही होनी, चलो कोई चले कोई कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, अच्छा,
consider for your topic for the ESA recommended for the approval of advanced study and research board. You are advised to submit two hard copies printed on both sides of the paper along with soft copy in PDF of your synopsis through email. Boss, acha, in the office of the address sign for placing the अल्लाह खैर करेगा अब लेकिन इसको ना अच्छे तरीके से अपना ना उसी को अच्छे तरीके से पढ़ लो उसमें आप सिर्फ दो फैमिली से ज्यादा नहीं मिलती और एनपीआर आपने क्यों करना है क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट डिफेंस मॉलिक्यूल है ये पूरी दुनिया में इसके ऊपर इन्वॉल्व है और इसके ऊपर काम नहीं हुआ था इसलिए हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं सिट्रस के अंदर ये काम नहीं हुआ मेजर क्रॉप है इसके ऊपर ये डिजीज टू फिगर बिग डाटा जनरेट ये वो दोबारा कही आपको हो गया माशाल्लाह दो हार्ड कॉपी स्कैन करवा के अब्दुल्ला भाई को देनी है और जो सॉफ्ट कॉपी वो पीडीएफ के फॉर्म में मेल कर रही है तो वो कह रहे हैं कि सीडी भी देनी है असम सर वो भी देनी है सीडी भी साथ वो तो हार्ड के साथ जाएगी ना हार्ड के साथ जाएगी ठीक है और ये स्काइप आईडी बना के और जीमेल के वो ठीक है लेटर आ जाए ना तो अब इंस्टेंट के लिए आपको इंग्लैंड भेजो वो नौशी कहती हूं तुम्हारे साथ अप्लाई करना है उसे जगाए जरा आजकल में करे उसको भी ऑनलाइन हो जाने नहीं पहले वो उसका डीपीसीसी ना डीपीसीसी पहले डिपार्टमेंट से वो हो रहा है तो वो तुम सब कहते थे कि एक माह बाद होते हैं कोई मसला नहीं आप अपना तो अप्लाई करो ना उसका भी फिर उसी जगह अप्लाई कर देंगे ये नहीं होगा अब आप उसकी खातरा वो ना करे अप्लाई साल तू तो अपना अप्रूवल करा रहा ठीक है ना फिर इसको भी उसी लैब के लिए जहां आप जाएगी वहां इसको भी भेज देगी लेकिन आपको हम भेजेंगे उधर इंग्लैंड स्कॉटलैंड एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी मे बी उस टाइम जब आप वहां जाए मे बी वहां ही हो जेरे चार पांच छे पेपर कढ देने है ना ओही डाटा तेरा बथेरा हो जाना टेबल बनाती जाए आपने ना अब आपने एक टेबल बनाना है सॉरी बच्चे मेरे को थोड़ा समझाओ थोड़ा आपने एक टेबल बनाना है सैंपल नंबर फर्स्ट की आपका सैंपल नंबर वन ठीक है जी सर उसका नाम रख दे लुबीन सैंपल वन ठीक है या कोई भी फर्स्ट की पीपी पीपीएल पनार बाड़गा जी लैब बंद कर ले या एस वन कर दे ठीक है जहां से ले रहे हो भी कर उसका एक एक्सेशन नंबर आपने भी देना है ये एक्सेशन नंबर होगा आपके डाटे का एक तो एनसीबी एक एक्सेशन नंबर होता है ना ये आपके अच्छा एस वन फिर आगे लिख देना ऑर्गेनिज्म ठीक है लोकेशन सही अगर उसकी कोई वैरायटी है वैरायटी लोकेशन और उसका वो एग्जैक्ट आईडी मतलब ऑर्गन कौन सा लिया एग्जैक्टली ये आपका डाटा पूरा ना एक आपका थीसिस का ये एक टेबल बनेगा ठीक है मेरी बात की समझ आ गई आपको अच्छा ये चीजें आपकी ना साथ साथ मेंटेन होनी चाहिए आप एक टेबल ये अच्छा उसके बाद फिर देख लेना कि बैक्टीरिया
जो आपके मिले कितने यस या नो, ठीक है। फिर उसकी अगर अगर हमने अब ये तो हो गया ना, अब हम उस बैक्टीरिया को का एक्सेशन नंबर क्या देंगे, S1B1, ठीक है, या आपका बैक्टीरिया वन कर देंगे, आपका क्या है सिट्रस कैंकर सिंथोमोनास S1 Synthomonas citrai 1, ठीक है। अच्छा, या इसका हम लिख देंगे इसको S1 की भी, अच्छा S1 आप इसको लिख देंगे, आपको उस स्पीशीज का नाम क्या है, कौन सी क्या सिट्रस कैंकर या नहीं सिट्रस रेटिकुलेटा CR या सिट्रस एडेंसिस या सिट्रस एसवीएम S1 CR1, ठीक है। S1 CR1 बैक्टीरिया तो कंफर्म है, सबको सबको बैक्टीरिया लिखना है, सेंटोग्रोस सिट्राई लिखना, बस S1 ये बैक्टीरिया का एक्सेशन नंबर हो गया। अगर S2 CR1 लिखेंगे इट मींस वो सैंपल नंबर 2 उसका, अगर S1 CR2 इसका मतलब सैंपल नंबर 1 है उसका बैक्टीरिया नंबर 2 है, ये आपका एक्सेशन नंबर 1 चलेगा, ठीक है। इससे आपको और ये वर्ल्ड वाइड चलेगा फिर, वो आपकी अगर कोई उसमें से कोई नई स्ट्रेन बनती है ना तो उसको हम ये स्ट्रेन का हम देंगे, ठीक है ना, दिस इज अ न्यू स्ट्रेन। और ये आप समझे डॉक्यूमेंट हो रही है चीज आपकी, और ये आपकी जो लैब बुक है उसके अंदर भी ऐसे लिखा होना चाहिए, क्योंकि कल को अगर कोई इसको चैलेंज करे तो आपके पास डेटा बुक लेनी है, तो उसके अंदर भी ये चीजें सारी आपने डेली का जगह विजिट किया है वो लिखे, ये इतने सैंपल लेकर आए, अब डेटा बुक को आपने डेली मुझे ना मेंटेन करके और वो चीजें सारी ये सारी मेरी बात, अब आपको आइसोलेट करने आ गए माशाल्लाह, उसको आइडेंटिफाई करने भी आ गए, हाँ अब इसको कल्चर करके किसके पास आया था जितना भी लेना, ताकि कल को जो नए बच्चे आते हैं फिर मैं भी फिर तू ही सोने यार सारे, ठीक है, उन्होंने भी बैक्टीरिया ने काम करवा देंगे, मतलब ये स्टेनिंग आ गई है, पता चल गया कि पॉजिटिव नेगेटिव का पता चल गया, वो सारी चीजें समझो आप ही। अच्छा एक और बात अभी ना फिर आ रही है इसकी विस्टिंग के लिए, मुझे बता दीजिए अभी आ रही है, तो आपने ना थोड़े शायद इस वीकेंड में या अगले वीकेंड में मैसेज कर दीजिएगा, अगर आपने अप्लाई किया हो तो इतने बजे में विस्टिंग तैयार है, अब नेक्स्ट आ रही है एम्बेसी के लिए आ रही है, ये भी हमारे सरगोधा के सैंपल है, मैं इनका तो बनाती हूँ ना, और जो बैक्टीरिया आ रहा है ना वो बताऊ किसमें से ही आ रहा है, वो ग्रेप फ्रूट के ही आ रहा है। चलो जी, अगर आपका आपका ये डाटा भी जनरेट हो जाता ना काफी ज्यादा, अब आपको करना आ गया, हमारे पास फैसिलिटी है, कोविड का फैसिलिटी भी है, और आप मैक्सिमम बैक्टीरिया आइसोलेट करके ना ये आपका डाटा एक बहुत अच्छा चैप्टर आप मतलब किस किस जगह से मतलब हमने लिए हैं, फिर जब बायोकेमिकल करैक्टरिस्टिक्स करेंगे उससे हम डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं इस लोकेशन का बैक्टीरिया ऐसा था, इंशाल्लाह आपका थीसिस सही हो जाएगा इसका, लेकिन अब ये काम इसका लाइन हो गया ना, अब आप लोग आएंगे ना मुझे अब इसकी लाइंस का पता चल गया, आप लोगों को भी बस जिनोम वाइड करवाना है पहले दिन ही,
बैक्टीरिया को जब कोई पकड़ ही ना हो ये कर लेना और ये शराती हमारी इंशाल्लाह अल्लाह करे जब तक आप लोग आएंगे इधर परमानेंट है चार हो तो फिर मैं नहीं बस अपना ना काम किया करते हैं तो इनसे करवाया करते हैं काम सारे ठीक है ना अल्लाह खैर करे तो फिर ये मतलब बेहतर वैसे बच्चे का इंटर नहीं है इंटर नहीं है ना देखिए ना इसमें माइक्रोबायोलॉजी का ना तो उसको माइक्रोबायोलॉजी के चीजें सब बच गई है मतलब बेसिक स्टूडेंट्स पीपीटी के सर मैं करती हूँ ये फिर कल जमा करवाती हूँ आपको चक्कर लगा के ठीक अच्छा हेलो अगर हम ग्रीन को भी यही करवा रहे हैं पोटैटो के ऊपर ये जो बैक्टीरिया आते हैं ब्लाइट या जो बैक्टीरियल डिजीज को बैक्टीरियल ब्लाइट इतना है पोटैटो पे अभी इसको मरीज को बताइएगा ना मैं आज इसको मैं सर्च आउट करता हूँ आप वाला ही सिनॉप्सिस थोड़ा सा पोटैटो का डाटा अगर हम सब तक लेके और इसको ना अगर कोई चलो आज मेरा थोड़ा सा पढ़ता हूँ बैक्टीरिया टेस्ट मुझे आ ही जाएंगे ना बैक्टीरिया टेस्ट आपको आ जाएंगे और वो इसको आप सिखा दीजिएगा ग्रेट ग्रेट ठीक है ठीक है अब आपको मेरी बातों की समझ आ गई आपको अच्छा अब आपने ये देखो अच्छा आपने ये जो सीक्वेंस सर मुझे बताया था कि एक्सेशन नंबर कौन सा वो जो हमने जब सीक्वेंस डाउनलोड किए थे वहां पे जो आ रहा होता वो वाला नंबर है ना आपने NCBI में पहले हम गए थे देवी जो है आईडिया अबाउट दैट यहां पर हम प्रोटीन में जाएंगे सर वैसे फाइटोसोम से किए थे नहीं फाइटोसोम में तो बाद में गए थे ना पहले हमने प्रोटीन में जाके RBOH-Arabidopsis ये देखो रिएक्टिव बर्स्ट ऑक्सीजन होमोलोग सी लाइक ठीक है अब ये है हमारे पास ये रेफरेंस सीक्वेंस है ये भी शो कर रहा है हमारे पास ये एक मिनट इसकी प्रोटीन में जाना है हमने ये प्रोटीन की हमें रेफरेंस सीक्वेंस मिल गई है रेफरेंस सीक्वेंस वो होती है जो ऑलरेडी करेक्टराइज हुई हुई है ठीक है ये आप निकोशिया ना मेंथ में आना की है अच्छा अब आपने क्या किया था उस टाइम ये तो निकोशिया ना मेंथ टोबैको की है अच्छा फर्ज किया हमने ना ये वाली प्रोटीन आपने अरेबिडोप्सिस की मिल जाए ना अगर अरेबिडोप्सिस की इधर ये अरेबिडोप्सिस था जाना ठीक है ये वाली आपने ले ली ठीक है ये एफ वाली है ठीक है इसकी काफी है ना अच्छा अब आपने क्या किया था उस टाइम आपने ये फास्टा में गए थे हम फिर आपने क्या किया था कि इस सारी को इसमें से हमने वो तलाश की थी ये वो सारी डोमेन्स वाला काम ठीक है अच्छा वो कैसे किया था पी फैम में जाके ठीक है ये तो पता ना आपको कैसे किया था आपने और सर्च और ये इधर पेस्ट कर दी और इसमें गो कर दिया एक तो थोड़ा फिर भी दोबारा तो काम करना पड़ता अच्छा अब ये फेरेक रिडक्टेज ठीक है अब ये जो सीक्वेंस है इसके अंदर ये हमें ना आपके पास एडिट सीक वाला सॉफ्टवेयर है डीएनए स्टार ये ना भी हो तो अच्छा ये इसको ओके कर दिया ये है इसको छोड़ो डिस्कार्ड करें फाइल न्यू प्रोटीन वाली इसमें पेस्ट कर दी ठीक हो गया ये जस्ट डिस्प्ले करता है सीक्वेंसर को ठीक हो गया अब यहाँ पे वो बता रहा है कि आपका जो एन ए डी बाइंडिंग या ये वाली जो प्रोटीन डोमेन है ना आपकी फेरिक रिडक्टेज डीएनए बाइंडिंग डोमेन ठीक है ये वाली आपकी जो डोमेन है मुझे कहा इसका कॉपी करी ठीक है नहीं सर मैं एक्सेशन नंबर पूछ रही हूँ नहीं एक मिनट पहले ये बता दूं ये कॉपी किया आपने और वहां पर फाइल में न्यू फाइल ये डोमेन ठीक है एफ इसकी सीक्वेंस कहां से कहां तक है ये कह रहा है कि स्टार्ट आती है 746 से 927 तक
ठीक है, अब 746 से अब हमने यहाँ जाना है, 746 की तरह ये 20, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है 725, कहाँ से कहाँ तक है 746 से 927 तक, ठीक है। अब हमने क्या किया कि 746 से लेकर 927 तक, 927 तक ये कॉपी किया, ठीक है। एंड हमने इसको आपके नोट पैड प्लस प्लस में जाके पेस्ट, ठीक हो गया। ये तो होगी आपकी फेरिक रिडक्टेज, ठीक है। और इसमें ये क्या पेपर के अंदर क्या कह रहा है, जब इसकी जीनोम वाइड एनालिसिस किया तो इन्होंने क्या किया हुआ है, ये जो है ना ये पी फैम, ये एक सेक्शन नंबर है इसका डोमेन का, हमने यही कॉपी की अभी ये जो की है, ठीक है। एफ ए डी बाइंडिंग, एन ए डी बाइंडिंग, अभी हमने एन ए डी बाइंडिंग कॉपी की है, कौन सी कॉपी की है, फेरिक एफ ए डी ये की है हमने, ठीक है। क्या किया, क्या किया, ये देखो फेरिक रिडक्टेज एफ ए डी वो ही है, फेरिक रिडक्टेज बाइंडिंग डोमेन, ठीक हो गया। अच्छा, और उसके बाद अब हमने क्या कर दी, आपको चाहिए थे कॉपी के, नहीं चाहिए मुझे, आपको नहीं चाहिए, एक मेरे पास है, एक कॉपी दे दे, ठीक है। अच्छा, एफ ए डी बाइंडिंग डोमेन, ठीक हो गया। उसके बाद ये सारी डोमेन आपने अकेले अकेले ही करके आपने विच डोमेन ऑब्टेन फ्रॉम समस्करी प्रोटीन जीन एंड विजुअल सीडी सीक्वेंसेस फॉर ऑल ट्राई फ्रॉम द जीनोम डेटाबेस, ये कर लिया आप लोगों ने। फिर अमाइनो एसिड सीक्वेंस अलाइनमेंट फॉर जेनेटिक एनालिसिस, अब आपने अकेला ये नहीं करना कि सिर्फ पोटैटो कर लेना है, आपने पोटैटो के साथ अरेबिडोप्सिस, टोमेटो, ठीक है, और दो तीन और ऑर्गेनिज्म के जीन जितने भी आपके लिए हो, लेकिन उसकी सारी सीक्वेंसेस ले ली है, ठीक हो गया। वो सारी सीक्वेंसेस लेके और उससे फिर इकट्ठा फाइनोजेनेटिक ट्री बनाना है, वो आपने बनाया तो था यार। असद क्या हाल है बच्चे, कितने जा रहे हो, ठीक है ठीक है। प्रोटीन अलाइनमेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज है और ये चीजें, ठीक हो गया। एग्जाम इंट्रा डिस्प्ले भी आपने कर लिया जी सर, सर मेरे अब रह गए हैं के ओ के ए और के एस रेशियो वाला, सिस रेगुलेटरी और ई एस टी एक्सप्रेस सीक्वेंस, ये देखा आपने आर बी ओ एच, ठीक हो गया, ये लिखा हुआ है आपने, आपने तो काफी काम किया हुआ है जी सर, मेरे बस ये थोड़े एनालिसिस रह गए हैं और ये आइटम डन करने। अच्छा, अब ये है कि एसटी ये आपने इधर करना था इसको, ठीक है, ये मैंने कहा था कि आपने इसको कट करके इसको इधर लेके जाना, ठीक है, ये इधर रखना एक्सेशन नंबर। अच्छा, और इसको फिर हमने क्लासिफाई भी करना है, जो अब ये जो 1 2 3 4 अरेबिडोप्सिस वाले हैं ना, ये ऐसे नहीं है, अरेबिडोप्सिस थले आना, इसके ना वो डिफरेंट है, ए बी सी डी ई एफ जी एच में लिखे हुए हैं, आपने भी इसको ए बी सी एस डी बी आर बी ओ एच ए बी सी लिखना है, 1 2 3 नहीं लिखना, मेरी बात नहीं समझ, पोटैटो के भी ऐसे करने, पोटैटो के भी ऐसे करने हैं, ठीक हो गया, मेरी बात की समझ आ गई आपको। उसके बाद आपका ये हो गया न्यूक्लियर लोकल आपका सबसे, अच्छा अब ये देखिए, ये है एस टी आर बी ओ एच वन, ये सक्सेशन नंबर, ये ट्रांसक्रिप्ट आई डी, ये लोकेशन है, लोकेशन का मतलब ये है कि ये क्रोमोसोम नंबर 4 के ऊपर है, ST4, क्रोमोसोम नंबर 1 पे, सॉरी, ठीक है, ये लोकेशन इसकी है, ठीक है।
ये आपने पता नहीं कहाँ से लिखी है, ये क्रोमोसोम नंबर वन, ये इसका लोकेशन है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक हो गया। फिर ओरिएंटेशन रिवर्स है, ये आपने सही लिखा हुआ है सारा, ये तो टेबल ये आपका आपने बना, चेक किया वैसे। अभी तक सरियाना का भी आपने बनाया हुआ, ग्रेट। और उसके बाद आपने और कौन से प्लांट्स हैं? और भी हुआ H7, टी है ऐसे जयाबेज है, वो हमने तो क्रिटिकम बहुत एसपी। ज्यादा पता रखी है, माशाल्लाह गुड। यहाँ पे तो दो तीन पेपर बन सकते। अब सर ये मेरे मैंने बनाई है एक समरी, ये रिमेनिंग है मेरी, ये डन हो गया। ठीक है, ट्री बनाया हुआ लेकिन वो आपने कहा था कि शायद इसमें कोई मिस्टेक, तो वो मैंने कहा था दोबारा देखते दोबारा ट्री हैं दोबारा बनाना है के और कि के एस रेशियो, इस बारे में ये मुझे आइडिया है कैसे करना है। फिलहाल आपना ये नहीं करना करना है, करना है, करना है, करना है, करना करना है, लेकिन इसको ना पहले, सबसे हाँ पहले सर ये सीस वाला करना है, शीश वाला करना है, फाइनल ट्री ये भी मेन किया पहला था ये सब, दोबारा करना सबसे पहला काम जो है, कि एनालिसिस कंप्लीट, मैंने तो ये कहा था पहले एनालिसिस कंप्लीट कर लो और उसके बाद फिर ये राइटअप वाला सारा लिखना शुरू करो। अच्छा ये हो गया, आप इसको फॉलो करते जाए, ये ठीक है जो सर, मैं इसी में ना वो सारा एडिट कर ठीक है, लेती इसमें हूँ। वो सारा एडिट करते जाओ। अच्छा अब इसमें आपने ये कर दिया कि RGD 59 एक्सेशन नंबर, अच्छा पी फैम का जो एक्सेशन, जो आपका NCBI का एक्सेशन नंबर है ना, अब आपने कहाँ से लिखा है? अच्छा आप फेरेंग, ये जो है ना इसका, ये वाला है इसका, ये फिनिटा, ठीक हो गया, ये जो पी फेर वाला, इसका ये रेफरेंस है। रेफरेंस आ गया, ये तो चलो सारे आपने वहां से ले लिए। अब ये जो है, ये जो आपने ग्रेप जीनोम डेटाबेस लिया है, ये है प्रोपराइटरी, पोटैटो जीनोम डेटाबेस, ये आपका है फाइटोसोम, ठीक है, ये यहाँ नहीं लिख, ये आपने लिख देना है फाइटोसोम, फाइटोसोम की तरह ये वाला डाटा आपने एड फाइटोसोम, ठीक है, ये आपके चेंज करके यहाँ इसको आपने चेंज कर देना है, ठीक हो गया। इसको ब्रैकेट में कर दिया, यूजिंग हेडर, ठीक है। सबसे पहले प्रोटीन जीन आईडी विचुअल सीडीएनए सीक्वेंसेस वर आर ड्राइव फ्रॉम द सेम डेटाबेस, फ्रॉम इसको हम कॉपी करें, ठीक है, ये कॉपी हो गया आपका, और ये आपने इधर पेस्ट कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा टू आइडेंटिफाई तो अब वो तो हमने कर लिया, ठीक है, रिट्राइव अमीनो एसिड सीक्वेंसेस वर सब्जेक्ट टू सिंपल मॉड्यूलर आर्किटेक्चर टूल, ठीक है, ये भी आपने करना है, पर डिफॉल्ट बनाने प्रोटीन लैकिंग द रियल लोफ तो नहीं है सर। इसको इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, ठीक हो गया, ये आपका पहला आपका मुकम्मल हो गया। इसके अंदर ये भी चीज भी ऐड हो गई, वो भी हो गई, और इसके अंदर रेफरेंस भी ऐड हो गए, और ये चीज सर है, जो हो गया उसको फिर आप कलर कर दें। ये मैंने कहा था कि इसको, लेकिन इसके अंदर आप एक बार फेल भी चेक कर लिए, जहां हाँ पर देखते हैं ग्रेप्स आ रहे, ये देखो ग्रेप्स आए हुए, यहाँ पर हमने पोटैटो रेफरेंस। करना, और इसको आप, अच्छा जी ये है, और इसको हमने 12 टाइम ड्यूरेबल्स कंट्रोल 5, ये पोटैटो RBOH जीन्स, ठीक हो गया। अच्छा और उसके बाद रिमिनेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पोटैटो RBOH प्रोटीन्स, इसको हम लिख देते हैं STRBOH, ठीक हो गया, ऑफ
एस टी आर बी ओ एच एस टी आर बी ओ एच प्रोटीन, ठीक है, दैट प्रोटीन सीक्वेंसेस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एस टी आर बी ओ एच प्रोटीन वार प्रिडिक्टेड यूजिंग प्रोटोप्राइम टूल, ये इसका रेफरेंस एडिट किया हुआ मैंने, ये कितना इजी हो गया आप लोगों के लिए, ठीक है, आपने जीन्स पर ड्राइव फ्रॉम द फाइटोसोम दीस, इसलिए मैं कह रहा था आप मेरे पास आओ तो सही घर बैठे ही है सारे, वार रीनेम अकॉर्डिंग टू द फिजिकल पोजीशन, ठीक है, द न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल्स ऑफ द प्रोटीन वर प्रिडिक्टेड यूजिंग एनडीएस, ये देखो इसका और ये इसका रेफरेंस भी ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है, सब सेलुलर लोकलाइजेशन, ठीक है, अच्छा इन ऑलिव नहीं होना यहाँ पर हमने लिखना है, ठीक है, और आगे आना है ये डॉफ प्रोटीन, ठीक है, एस पोटैटो एस टी और सर बाकी जो है प्लांट उनका नहीं मेंशन करेंगे, वो भी लिख दे रहे, वो भी साथ लिखते जाना, ठीक है, लेकिन आपका काम जो कि पोटैटो के ऊपर है तो इसलिए ज्यादा इसी को लिखना, लेकिन जब बाकी जो है रिजल्ट्स और डिस्कशन में वो कर देंगे, ठीक है, जो आपका फाइनल एंट्री इसके अंदर लिखेंगे कि आपने ये सारे यूज किए, ठीक है, वाज प्रेडिक्टेड यूजिंग द ऑनलाइन यूज का रेफरेंस, आपका ये सारा देखो ये मटेरियल मेथड मैंने आपका तकरीबन ना आज ही कंप्लीट कर दिया आपका, इतना ये सारे का सारा ये तो बड़ा हो गया, हाईलाइट इसको तुमने कर दिया, ठीक हो गया, अब जी स्ट्रक्चर डिस्प्ले कैसे करेंगे कि ऑलरेडी बस आपने ना इसको आइडेंटिफाइड द सीक्वेंस यूज्ड टू डाला जी स्ट्रक्चर, ये भी किया, ठीक है, ये सारा हो गया आपने किया हुआ ना जी एस डी एस, फिर मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट एंड फॉलोजेनेटिक द अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द एस टी आर बी एच प्रोटीन, और इसमें फिर बाकी वो भी लिखना, बस आप लिखने इसके अंदर वो सारे आपने इसमें मैं ना इसके अंदर ना निशवारियां निशान छोड़ देता हूँ, इधर आ गया पर एस आप माइनर सीक्वेंस ऑफ आर बी एच प्रोटीन सीक्वेंसेस ऑफ अरेबिडोप्सिस, ठीक है, पोटैटो टोमेटो जो भी आपने इसके अंदर करने है ना वार जो भी टोटल कितनी है अमाइनो सीक्वेंस ऑफ नंबर उसका नंबर कितने आएगी ये हम इधर लिख देंगे इधर वो आपने ऐड कर दिए ये एनालिसिस के बाद, ठीक है, अब ऑप्शन रेबिड ऑप्शन जो भी है इसको आपने इसको मैं रेड कर लगा ये आपने बार अलाइन यूजिंग जो भी है इसका भी रेफरेंस ऐड किया हुआ है, ठीक है, एंड फॉलोजेनेटिक वो जो हमने किया था मेगा एक्स वाला मेगा एक्स वही सेम है एनेबल जॉइनिंग ट्री फॉर फूड स्टैम्प एंड एप्लीकेशन, अब आपने देख रहा है कि इधर टोटल कितने थे ये वाला जो है ना टोटल आपके आपने दिखने के टोटल सबके कितने हैं रेबिडोस के कितने हैं बनाना के कितने हैं पोटैटो के वो एक एक करके उसका ना वो आपने इधर इसको डॉफ की जगह वो आपने जो भी है आरबीओएच जीन सीक्वेंसेस आपने इसको इसको मैं रिव्यू में जाके ना इसको लिख देता हूँ कि राइट अकॉर्डिंग टू योर राइट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर ब्रांच, ठीक हो गया, तकरीबन आपका आधा थीसिस आज लिखा गया जी सर, अगर हम अगर ये मेरे एनालिसिस भी हो जाए तो भी, दो दिन लगेंगे दो तीन दिन में आपका ना ये इंशाल्लाह अच्छा, अब ये सर सीस वाला नहीं किया हुआ सीस नहीं किया हुआ है तो आपने आपने भी ऐसे करना है कि आपने मंथल ड्राफ्ट स्ट्रीम ले रही है और हमने मोटिफ किया हुआ अच्छा आप और ये भी आपने इधर ऐसे करना है एस टी आर बी ओ जीन प्लांट के डेटाबेस से ठीक है इसका भी रेफरेंस ऐड किया हो देयर यूज टू प्रेडिक्ट द ठीक हो गया अब आपने काइंडली ये कहा दी उनको समझा देंगे किनको से जो आपके दो शहजादे और फरमा को भी और बाकी दोनों हमाद और उसने तो लिख नहीं दिया सर नहीं अभी नहीं लिखा और कुछ भी नहीं लिखा ये आज आपने ना जाके सर ऐसे है ना मिलके बैठ के हो जाए तो अच्छा आप उनको जाके ना आज ये मैं आपको भेजता हूँ उनको ऑनलाइन Zoom पे ना सर उन्होंने तो अभी तक सीक्वेंस डाउनलोड नहीं किया वो अब आपने सिखाने हैं
मैं अब जरा मैं बच्चे अब जैसे आप ही मेहनत कर रहा हूँ, मैं बाकी भी मेरे जिंदगी में काम करने है ना, अब हर एक के लिए तो ना एक एक बच्चे को आप इसलिए सिखा रहा हूँ आप इस तरह नुबीन को आपको चीज सारी समझ आ गई है, अब आपने दो तीन बच्चे अगर उनको वो चीज नहीं समझ आ रही आपको भी नहीं आ रही उनको भी नहीं आ रही देन आई विल मेरी भी अब मजबूरी देखिए ना मैं बैठा सर आप मेरे इतनी बार आप लोगों को बड़ा इजीली और प्यार से समझाने की कोशिश की है। अच्छा अब ये देखिए अब ये है एसटीआरवी और जीन प्लांट, इसके अंदर से पोटैटो का जिक्र करना आपने ठीक है। इस तरह मल्टीवर्स सीक्वेंस अलाइनमेंट भी आपने ये बेली रेफरेंस ऐड है आपने कितने विड्थ करनी है कितने ये आपको पता है कि आपने कितने बॉटम लिए थे 25 लिए थे 20 लिए थे ठीक है। अच्छा 25 वाले भी किए थे और एक दो का था ना आपने थ्री मोटिव किया था और एक 25। अब आपने जीन डुप्लीकेशन एंड के ए सिंटनी ये सिंटनी नहीं करना आप लोगों ने एंड के ए के एस के ए एस एनालिसिस ठीक है ये आपने इसके अंदर। अच्छा मल्टीपल कुलिनरी टेस्ट आपने करना नहीं है ये आपने करना नहीं है इसके इसलिए मैं डिलीट कर रहा हूँ ठीक है। जो चीजें ऑफ एसटीआर में जीन में बाय एस्टिमेटेड यूजिंग प्रोटीन सीक्वेंस और मेड यूजिंग अच्छा और नर्वस कंडक्टर यूजिंग द आपने करना है टीवी टूल ये सॉफ्टवेयर नहीं है आपने यूज करना टीवी टूल पे करना हाँ टीवी टूल इसका भी आगे रेफरेंस आपको कहीं से मिल जाएगा ठीक है। टीवी टूल का रेफरेंस इधर ही कहीं आगे पीछे से मिल जाएगा आपको कहीं ना कहीं से ठीक है। तो क्लस्टर रिव्यू अच्छा प्रोटीन सीक्वेंस प्रोटीन सीडीएन एंड सीडीएनए सीक्वेंसेस प्रोटीन एंड सीडीएनए एंड जीन पेयर सीक्वेंसेस वर एडेड एट द के ए के एस कैलकुलेटर के ए के ए अच्छा इसके चले मैं आपको ना मैं बाद में करके ये अभी इसको रहने दो ये वाला नहीं किया वो सर अभी किया भी नहीं है ठीक है। अभी हमारा जो है ना जीन डुप्लीकेशन से ऊपर ऊपर ये भी आपने इसमें ऐड करना है कि इसके अंदर क्या है ये ठीक है आपने ये ऐड करने अपने जो मॉटिफ है ठीक है इसका नंबर ये आपने चेंज करना है इसका ठीक है चेंज अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस। सर अगर ये इसको एटी और एबीसी करना है तो फिर वो सीक्वेंस में दोबारा चेंज करना होगा। सर वो एक एक मिनट का काम है कौन सा इतना मुश्किल लग रहा है मेन टेबल जनरेट करने मुश्किल थे हाँ, वो आप ठीक है। अब आपने ऐसे ही इसको आइडेंटिफिकेशन में रिजल्ट्स में लेके जाना है लेकिन फिलहाल आप अपना ना काम ये करें कि पहला काम ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आज कंप्लीट करके भेजें ठीक हो गया। अब समझ आ गई आपको जी सर मुझे ये वाली फाइल भी और वो जो रेफरेंस अच्छा अब ये हो गया ना अच्छा ये चीजें सारी इसके अंदर आपने ऐड करते जाना ये साथ इसके रेफरेंस भी ऐड होते जा रहे हैं ठीक है। ये मैं कंट्रोल एस कर रहा हूँ अच्छा और अब दूसरी बात ये है कि आपने फिगर्स जो है ना फिगर्स वो इसके अंदर ऐड करनी है थीसिस के अंदर नहीं ऐड करनी मेन फाइल के अंदर ऐड नहीं करनी ये जो मेन फाइल है ना इसके अंदर नहीं ऐड करनी आपने इसके लिए मैंने फिगर्स वाली ना अलग फाइल ये आपको भेज रहा हूँ ये वाला फिगर नंबर वन ठीक है फिर फिगर नंबर वन फिर ये फाइनल एंट्री इधर ऐड करना आपने उसके बाद फिर आपका ये मेरा तो ऐसा ट्री नहीं आता वो मैं समझा सिखा दूंगा आपको ये तीसरा ये वो और आपने अपने मुताबिक और इसी तरह आपने जो टेबल है वो भी इसी के अंदर ही एड करने हैं जो मैं आपको बताने लगा हूँ
ये टेबल्स हैं, आपने इसको रिप्लेस करते जाना आपने, ये आज आप अपना ना ये सारा करके मुझे भेजिए, ये देख रहा टेबल, टेबल भी इसी के अंदर ऐड कर देना। फिर एक है सप्लीमेंट्री फाइल, ये वाली तो आपने कुछ चीजें इसके अंदर भी ऐड करनी है, इसके अंदर टेबल भी है और फिगर्स भी है, और आपने हरी चीजें इसी के अंदर ही ऐड करनी है। टेबल आप मैं आपको चार चीजें भेज रहा हूँ, एक टेबल वाली फाइल, फिगर्स वाली, मेन जो आपका डाटा है थीसिस मेन फाइल ठीक होगी जिसके ऊपर आपने एडिटिंग करनी है, और एंड नोट वाली फाइल, और सिर्फ मैंने लिखने वाला काम करना है और बाकी टेबल और फिगर्स मैंने इन दोनों में ऐड करना है। और इसके अलावा एक सप्लीमेंट्री फाइल है, वो जो है वो ऐसी है सप्लीमेंट्री फाइल डाटा, वो जो नॉर्मली हम थीसिस में ऐड करेंगे लेकिन पेपर्स के लिए नहीं उसको भेजेंगे, जब पेपर्स के लिए उनको कहेंगे कि ये हमारा मेन फिगर्स यही ऐड होगी, जो सप्लीमेंट्री वाली फाइल है ना ये आप अपने अपलोड कर ले, लेकिन मेन डॉक्यूमेंट के अंदर इसको ऐड नहीं करना, वो फिर वो कर देंगे खुद खुद ही, ठीक है। ये अब आप ये चीजें मैं सारी आपको भेज रहा हूँ, तो पहले तो इसका ना मैं चेंज कर दूं, ये पहले तो जितना मैंने अभी तक किया है वो सेव कर दो ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं व्हाट आई एम गोइंग टू, ठीक है।